वेलकम फ्रेंड्स, इंडियन जीके गुरु यूट्यूब चैनल पर आज हम एक हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो एग्जाम में आ चुका है, इसलिए इम्पोर्टेंट होता है। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन बॉम्बे इन 1885 AD अंडर द लीडरशिप 1885 ख्रीस्टाब्द में पहली बार भारतीय जातीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में सभापति तो किसने किया था? उमेश चंद्र बनर्जी ने सभापति तो किए थे। द डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सिडरी अलायंसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, सब्सिडरी अलायंसी को किसने प्रचलित किए थे? लॉर्ड वेलसली सब्सिडरी अलायंसी को प्रचलित किए थे। याद रखिए, मुस्लिम लीग ऑब्जर्व द डायरेक्ट एक्शन डे ऑन, मुस्लिम लीग डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाता है? अगस्त 16, 1946। याद रखिए, 1946 अगस्त 16 में मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे पालन किए थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी एलंग विथ आनंद मोहन बोस फाउंडेड द इंडियन नेशनल एसोसिएशन इन कलकत्ता ऑन जुलाई 26, 1876। याद रखिए, 1876 जुलाई 26 में कोलकाता में सुरेंद्रनाथ बनर्जी आनंद मोहन बोस दोनों मिलकर इंडियन नेशनल एसोसिएशन स्थापन किए थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, याद रखें, इंडियन नेशनल एसोसिएशन को सुरेंद्रनाथ बनर्जी आनंद मोहन बोस दोनों मिलकर स्थापन किए थे 1876 में। आनंद मैथ वाज रिटेन बाय, आनंद मैथ पुस्तक के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चट्टर्जी आनंद मैथ पुस्तक के लेखक है। द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस प्लेज वाज अडॉप्टेड बाय महात्मा गांधी। याद रखिए, भारत 1930 में भारत ने जो पूर्ण स्वराज के रूप में पूर्ण स्वाधीनता दिवस पालन किए थे 26, 1930 में, इसके लिए इसको ड्राफ्ट किसने किए थे ना? महात्मा गांधी ने इसके लिए एक ड्राफ्ट प्रस्तुत किए थे। ऑन जनवरी 26, 1930 वाज डिक्लेयर्ड एज इंडिपेंडेंस डे बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। जनवरी 26 और 1930 को भारतीय जातीय कांग्रेस ने स्वाधीनता दिवस के रूप में घोषणा किए थे। भाइकोमा सत्याग्रह वाज ए सत्याग्रह इन ट्रावेंसकोर अगेंस्ट अनटचेबिलिटी इन हिंदू सोसाइटी। याद रखिए, जो भाइकोमा सत्याग्रह हुआ था, जो हिंदू के विरोध में जो अस्पृश्यता थे इसको हटाने के लिए किया गया था, भाइकोमा सत्याग्रह ट्रावेंसकोर में हुआ था। याद रखिए, द मेन लीडर ऑफ भाइकोमा सत्याग्रह, इस भाइकोमा सत्याग्रह का मुख्य नेतृत्व किसने किए थे ना? के केलापन। याद रखिए, के केलापन भाइकोमा सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे। द क्रिस्प मिशन ऑन मार्च वाज हेडेड बाय, क्रिस्प मिशन जो मार्च में भारत को आए थे 1942 में, इस क्रिप्स मिशन का हेड कौन थे? सर स्टाफोर्ड क्रिप्स। याद रखिए, सर स्टाफोर्ड क्रिप्स क्रिस्प मिशन का मुख्य थे। केसरी ए न्यूज पेपर फाउंडेड इन 1881 बाय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। याद रखिए, बाल गंगाधर तिलक ने केसरी न्यूज पेपर को स्थापन किए थे 1881 में। द कंपनीज कमर्शियल मोनोपोली वाज एंडेड एक्सेप्ट फॉर टी ट्रेड विथ चाइना, चैप्टर 8 1813। याद रखिए, 1813 चैप्टर 8 के मुताबिक जो ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली खत्म किया गया था, केवल चाइना के साथ ट्रेड करने के लिए दिया गया था और टी ट्रेड करने के लिए अधिकार दिया था, बाकी सब अधिकार समाप्त किए गए थे चैप्टर 8 1833 में। द बैटल कोन आज़ाद हिंदुस्तान वाज ए फॉरेन लीजियन यूनिट इंडिया फॉर्मड इन इटाली इन जुलाई 42। याद रखिए, इटाली में जुलाई 42, 1942 में गठन हुआ था द बैटल कोन आज़ाद हिंद फौज। हिंद स्वराज और इंडियन होम रूल इज ए बुक रिटन बाय मोहनदास करमचंद गांधी 1909। याद रखिए, 1909 में महात्मा गांधी हिंद स्वराज इंडियन होम रूल नामक दो पुस्तक लिखे थे। याद रखिए, हिंद स्वराज और इंडियन होम रूल नामक पुस्तक को महात्मा गांधी ने 1909 मसीहा में लिखा था, हिंद स्वराज पुस्तक को। याद रखिए, जलियांवाला बाग
मास्कर टू प्लेस चैनल जालियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? 13/1919 अप्रैल 13 में जालियांवाला हत्याकांड हुआ था। द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज रूटेड इन 1908 ढाका। ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फाउंडेड हुआ था 1906 में। द प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल कांग्रेस इन लखनऊ सेशन 1916 वाज अंबिका मजुमदार चरण। याद रखिए अंबिका चरण मजुमदार ने 1916 में लखनऊ का कांग्रेस अधिवेशन में सभापतित्व किए थे। हिंदू मेला वाज फाउंडेड बाय, हिंदू मेला को स्थापन किसने किया था? नवगोपाल मित्र। याद रखिए हिंदू मेला को नवगोपाल मित्र ने स्थापन किए थे 1867 में। अष्टप्रधान वाज ए काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर वाज फॉर्मड इन 1674 बाय छत्रपति शिवाजी। याद रखिए अष्टप्रधान जो काउंसिल ऑफ 8 मंत्री का एक संगठन को अष्टप्रधान को बोला गया था। इस अष्टप्रधान को शिवाजी महाराज ने 1674 में गठन किए थे। द ट्रीटी ऑफ बेसिन ए पैक्ट साइंड ऑन December 31, 1802 बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड बाजीराव द्वितीय। याद रखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बाजीराव द्वितीय के बीच में एक ट्रीटी ऑफ बेसिन साइन हुआ था। द मार्टर्डम ऑफ चंद्रशेखर आजाद टुक प्लेस। चंद्रशेखर आजाद ने कब शहीद हुए थे ना? February 17, 1931 में चंद्रशेखर आजाद का शहीद हुए थे। रास्पबेरी घोष प्रेसिडेंट ओवर द सूरत सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1907। याद रखिए जो रास्पबेरी घोष थे उन्होंने जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में उन्होंने सभापतित्व किए थे। द वेर्नाकुलर प्रेस एक्ट टू बैन द वेर्नाकुलर प्रेस इन इंडिया पास्ड बाय लॉर्ड लिटन इन 1878 ख्रीस्टाब्द में लॉर्ड लिटन के द्वारा वेर्नाकुलर प्रेस एक्ट जारी किया गया था। इस एक्ट के अनुसार जो संवाद पत्र में आप कुछ ब्रिटिश सरकार का कंट्रोल आ गया था। द फर्स्ट सेंसस वाज कंडक्टेड इन 1872 बट रेगुलर सेंसस स्टार्टेड इन 1881। याद रखिए 1872 में पहली बार जनगणना किया गया था लेकिन नियमित के रूप में 1881 से जनगणना शुरू किए गए थे। द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस वाज फाउंडेड ऑन 31 अक्टूबर इन बॉम्बे बाय लाल लाजपत राय एंड जोसेफ बत्तीस्ता। याद रखिए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन 31 अक्टूबर को गठन हुआ था लाल लाजपत राय और जोसेफ बत्तीस्ता के द्वारा। धन्यवाद फ्रेंड्स, इस तरह नई वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।